हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू कांगड़ा सिटी एंड आल्सो वेलकम बैक टू रजत ट्रैवलॉग। तो नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ आप सभी का दोस्त रजनीश ठाकुर, और आप सभी को सबसे पहले हिमाचल दिवस की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। मनाया जाता है ये आप सभी को पता होगा, आप इतिहास के पन्नों में भी देख सकते हो इसका नाम। पर हम बता दें कि आपको 1948 में हिमाचल प्रदेश को जो है भारत के प्रांत में शामिल किया गया था। ढेर सारों शुभकामनाएं, और रजत ट्रैवलॉग में तो आप विजिट कर ही चुके हो तो ज़रूर लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, और ज़रूर साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा के जो है आप तक हर नोटिफिकेशन जो है हमारी वीडियो की पहुंच जाएगी। तो आई थिंक इंट्रो ज़्यादा हो गया होगा, तो चलते हैं सीधे ही कुल्फ़ी वाले। यहाँ पे हम बताएंगे यहाँ पे कांगड़ा कुल्फ़ी, जो कि यहाँ पे एक लुप्त होती हुई तादाद पर है। बट यहाँ पे जब भी गर्मियाँ आ जाती है तो ये बेचारे कुल्फ़ी वाले जो है यहाँ पे अपनी छोटी सी रेडी ले आते हैं और इसको जो है सेल करने का काम कर रहे हैं, और ट्रेडिशनल वे से जो है ये कहीं ना कहीं ख़त्म होती आ रही है। तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे और खाएंगे भी। और जब भी आप कांगड़ा आ रहे हो तो कुल्फ़ी जो है ज़रूर खाइएगा। तो उनसे ही बात करते हैं खोया कुल्फ़ी के बारे में। हमने एक्चुअली पहले भी इनको कैप्चर किया था, आप पीछे वाली साइड भी देख सकते हो, जयंती माता टेम्पल के करीब तब मेला लगा हुआ था पंचभीषम का। तो पंचभीषम के मेले के बाद ये सडनली यहाँ पे मिल गए। तो करते हैं कांगड़ा कुल्फी की। तो यहाँ पे है सर, सेकंड टाइम हम इनसे मिल रहे हैं, और ये देख सकते हो आप कुल्फी, खोया कुल्फी कांगड़ा की बहुत ही मशहूर कुल्फी है, और ज़रूर आइए कांगड़ा जब भी। और कांगड़ा बाईपास के नियर ही ये बैठते हैं, आई थिंक कांगड़ा बाईपास के नज़दीक ही। तो इनसे हमने रिसेंटली पिछले टाइम पे जब पंचभीषम हुए थे जयंती माता टेम्पल में मिले थे, तो कुल्फ़ी खाई थी और कुल्फ़ी के बारे में इन्होंने बताया भी था। तो आज जानते हैं एक बार फिर से, और इनका एड्रेस वगैरह नंबर वगैरह सारा ये इधर बता देंगे। अगर आपने कांगड़ा कुल्फ़ी खानी है तो बहुत ही टेस्टी ये बनाते हैं, और एक कांगड़ा का आप देसी जायका, और देसी के साथ साथ इस ट्रेडिशनल जो फूड है इसको जो है आप ये जो आइसक्रीम है इसको खा सकते हो, और आराम से अपनी गर्मी भी दूर भगा सकते हो। तो सर बताइए। नमस्कार जी, मैं सम्मी कुमार बाईपास कांगड़ा में बैठता हूँ। ये मलाई कुल्फी लेके, ये बहुत पुरानी आइटम है और ये हरे पत्ते में खिलाई जाती है। इसे बिजली बर्फ फ्रिज बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ जी। जी सर, ये पानी और आग से तैयार होती है। इसे बनने में कम से कम 5 घंटे लगते हैं एक रोल तैयार करने में जी। और ये सिर्फ जहाँ पे पानी पीते हैं बाईपास में, वहाँ पे मैं बैठता हूँ। और मेरा मोबाइल नंबर है 7876804393। शम्मी कुमार जी है मेरा नाम। शम्मी कुमार, कहाँ है घर आपके, कहाँ है सर? मेरे घर न्यू कांगड़ा में है मेरे घर जी। जी जी, न्यू कांगड़ा में। हाँ जी। बढ़िया है। तो कितनी सेल हो जाती है आपकी डे की बात करें? अब तो गर्मी आ गई, अब तो बढ़िया गर्मी है, फुल सीजन है जी इस वक्त, क्योंकि जितनी इसकी डिमांड है उतनी हम तैयार नहीं कर पाते हैं। जी जी। दो रोल पूरे दिन में, यानी रात को 3 बजे बनाने स्टार्ट कर, 1:30 बजे तक 2 रोल तैयार होते हैं जी। और वैसे अगर कोई मैरिज फंक्शन कोई छोटा मोटा हो उसमें भी हम तैयार कर सकते हैं, 5,000 बंदों का ऑर्डर ले सकते हैं हम जी। जी। तो बनाने का एक बार प्रोसेस बता देंगे आप? बनाने का प्रोसेस है कि ये जो नेचुरल पानी चला हुआ है यहाँ पे, हमने वहीं पे कमरे बना रखे हैं, और इसी में जो हमारे पास मशीन है उसमें आग जलानी पड़ती है। जो हिस्सा जब गर्म हो जाएगा वो पानी में डाल देना, और पानी वाला बाहर निकाल देना, और मशीन कूलिंग करना स्टार्ट कर देगी। और उसको जब मटेरियल डाल दिया, हमने 2 घंटे तक देखना नहीं है, क्या अपने आप तैयार हो रही है। हाँ जी। तो यही प्रोसेस आप करते हैं? हाँ जी। तो आई थिंक हम सर्दियों के टाइम आए थे, तो सर्दियों के टाइम आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे कितनी सेल इनकी होती है, और बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। और दूसरी एक मेरे को यहाँ का फीडबैक भी देना चाहता हूँ, क्योंकि यूथ को जो है इन कुल्फियों में आगे आना चाहिए, कांगड़ा ही नहीं बल्कि ऑल हिमाचल में भी आना चाहिए। और इनके जो है स्टॉल लगना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, खासकर इस चीज़ की विशेष बात है पत्ते में सर्व करना। इस तो यहाँ पे कुल्फी के बारे में बताएंगे? कुल्फी के बारे में तो आपको बता रहा हूँ, गर्मी का मौसम है, मौसमी चीज़ है, मलाईदार देसी चीज़ है, यहाँ के लोकल हमारे हिमाचल का छोटा सा एक प्रोडक्ट है जो ये भाई साहब सेल कर रहे हैं। आने जाने वाले यात्री है, बाहर से भी जो आते जाते हैं वो भी इस चीज़ को पसंद करते हैं, अच्छा लाइक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बाहर से यात्री आते हैं जो भी है यहाँ देखने के लिए, हमारा हिमाचल पहाड़ की खूबसूरती को देखने के लिए यहाँ आते हैं,
अच्छा लगता है, इन्हें भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। बाहर से आ रहे हैं लोग जो है हमारे हिमाचल को एक प्रसाद कर रहे हैं। आते होंगे तो बाहर जाकर बताते होंगे हिमाचल में हमने तो क्या देखा। कैसा लगा आपको टेस्ट कुल्फी का? टेस्ट कुल्फी का टेस्ट बहुत अच्छा है। पत्ते में खास करके खाई जाती है, तो पत्ता किस चीज़ का होता है? पत्ता ये बड़ का पत्ता होता है। बड़ का पत्ता होता है, इसी में ये खाई जाती है और मजा भी इसी में खाने का है। अच्छा, पारंपरिक तरीके से ये चीज़ यही चीज पहले से होती है। बताना चाहोगे कांगड़ा में ये चीजें बहुत ही कम देखने को मिलती है? ये बहुत ही कम देखने को मिलती है, हो सकता है आने वाले समय में ये लुप्त हो जाए। तो इसके बारे में आपका संदेश कुछ? हमारा संदेश ये है, चलो एक ये रोजगार भी है, अच्छा रोजगार है। अगर कम पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनके पास कोई खेती बाड़ी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, तो वो इस रोजगार को कर सकता है। ये रोजगार करने से उनको फायदा ये है, 45 से 50 हज़ार तक महीने का कमा सकता है। अगर ये 45 से 50 हज़ार कमा सकता है। लेकिन क्या है, रोजगार करने वाला चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए और इंटरेस्ट लेना भी चाहिए। जिसके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो कर सकता है इस काम को, आराम से कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। धन्यवाद। और मैम आपको कैसी लगती है कुल्फी? बहुत अच्छी है। बढ़िया है, ठीक है। तो ऐसे ही खाते रहिए, अब तो गर्मी आ गई है। हाँ जी, गर्मी अभी अपनी दूर भगाइए साथ ही साथ। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल? Myself KS Rana Advocate from Budsar. कहाँ से सर? From Budsar. तो बताएंगे कुल्फी के बारे में, कांगड़ा कुल्फी के बारे में? ये एक अलग सा टेस्ट है जिसे जो मैं कई बरसों से यूज़ करता आ रहा हूँ, और ये टेस्ट कहीं नहीं मिलता, ऑल इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये सिर्फ कांगड़ा की वैली में ही मिलेगा। कांगड़ा वैली में, इसी वैली में, और ये जो नियर बाई एरिया इसी में मिलता है। अब तो गर्मी की एक वाइब भी आ गई है, गर्मियाँ भी आ गई है, तो गर्मियों में कैसा लगता है आपको यहाँ पर? कितनी बार आप इसको खा चुके हैं? मैं तो इस कोई 15 बार खा चुका हूँ इससे पहले भी। अच्छा, 15 टाइम्स। तो जब भी मैं यहाँ क्रॉस होता हूँ तो मैं गाड़ी रोकता हूँ और जो है वो इस बर्फी का आनंद लेता हूँ। मेरे फ्रेंड बैठे हैं गाड़ी में, वो भी जो है वो साथ में जो है वो इंजॉय करेंगे अभी। ठीक है, तो अच्छा लगा आपसे बात करके। इसमें देसी तौर तरीकों से बनाना इसको इसकी यूनिकनेस की ओर ले जाता है, तो ज़रूर इस आइसक्रीम को खाइए और भाई साहब के पास भी आइए, सर के पास भी आइए, बहुत ही अच्छी आइसक्रीम है। और इसको जो है आप हाईलाइट भी कर सकते हो, साथ ही साथ जो है इस जायके का जो है इन्जॉय कर सकते हो। सर्दियों में इनका जो है काफ़ी ज़्यादा सेल भी होती है, और अब तो गर्मियाँ आने वाली है, तो गर्मियों में आप सोच ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा जो है ये कांगड़ा कुल्फी जो है यहाँ पर सेल करते होंगे। तो ये बोलते हैं कि हम सुबह से जो है 3 या 4 बजे से बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो अभी तक जो है इनकी सेल मेरे को लग रहा है पूरी भी हो जाएगी। तो आइए और गर्मियों में अपनी गर्मियां दूर भगाइए। पीछे हमने एक लुप्त हुई चीज़ के बारे में बताया, और वो पीछे रिसेंटली यहाँ पे बात की जाए तो वो थी कुल्फी, खोया कुल्फी। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बहुत ही मशहूर खोया कुल्फी है, और आमतौर पर उनका काम जो है कंटिन्यू वो करते आ रहे हैं। हालांकि कुछ युवाओं ने इसको छोड़ भी दिया है, पर उनका काम जो है काबिले तारीफ है, और युवाओं को, हम जैसे युवाओं को इसमें आगे आना चाहिए, और ये कांगड़ा की जो खोया कुल्फी है इसके बारे में जानना चाहिए। इसके बारे में उन्होंने बताया कैसे वो बनती है, पानी और आग से ही वो सिर्फ ओनली बनती है, और सांचे में उसको तैयार किया जाता है। और अब गर्मियाँ भी आ चुकी है, उसके प्रोसेस के बारे में उन्होंने बताया, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें दिया। तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, अगर आपने कांगड़ा कुल्फी के बारे में जानना है, अगर ये खानी, और बहुत ही टेस्टी है, यकीन मानिए दोस्तों, गर्मी के टाइम पे तो यहाँ पे एक ठंडक मिल जाती है। तो उससे ठीक आगे जो है हम आ गए, अभी एक शिकंजी वाला यहाँ पे स्टोर लगे हैं दो, तो शिकंजी पीने हम यहाँ पे आ गए। तो आप भी आइए कांगड़ा बाईपास से ठीक नीचे, ये जो रेड़ी वाले हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा जो है काम कर रहे हैं, और ख़ासकर हमारे युवा भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो भैया बताएंगे शिकंजी कैसे कैसे बनाते हो आप, क्या नाम है आपका? बढ़िया, हिमांशु रस्तोगी हमारा नाम। कहाँ से हो आप? हम यूपी मुरादाबाद। तो कैसे कैसे क्या क्या रहता है आपका शिकंजी बनाने का? शिकंजी में गोंद गजीरा है, मसाला है। अच्छा। और मीठा पानी है, तभी शिकंजी बननी है। अच्छा अच्छा, मीठा पानी, गोंद गजीरा। तो गोंद ये कहाँ से लाते हो? ये गोंद गजीरा ये है स्ट्रीट वेंडर की दुकान है, पीछे भी स्ट्रीट वेंडर थे बहुत सारे। तो स्ट्रीट वेंडर की दुकानें आपको गर्मी के, सर्दी के टाइम तो मिलेगी ही मिलेगी, पर गर्मी के टाइम पे जो है ये लोगों की गर्मी से निजात दिलाने में भी काफ़ी मदद करते हैं। और अंदर एक, यकीन मानिए दोस्तों, इस स्ट्रीट वेंडर में अगर आप आओगे और इनके जो भी सामान है, जो भी आइटम है, जो भी जूस है, उनको पियोगे, तो आप अंदर से एक जो है पीस
जैसा फील करोगे और आपको एक आंतरिक शांति भी यहाँ पे मिल जाएगी। आमतौर पर यहाँ से ये धर्मशाला कांगड़ा बाईपास वाला रोड है, यहीं से कई टूरिस्ट जो है धर्मशाला की ओर भी जा रहे हैं, क्योंकि अभी ऑब्वियसली सी बात है टूरिस्ट सीज़न आ चुका है और यहाँ से कांगड़ा के साथ साथ टूरिस्ट धर्मशाला के लिए जाते हैं। तो इन्हीं जो रेहड़ी है, जो स्ट्रीट वेंडर की दुकानें हैं, यहीं से जूस और खाना खा के जो है आगे बढ़ते हैं। और नेचुरली वे से यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही प्यारी जो है ये स्ट्रीट वेंडर की दुकानें हैं, जो पिछली बताई हमने कुल्फी की और सिकंजी की। इसके बाद हम मेले में आपको ले चलेंगे, तो मेले का नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते हैं मेले के बारे में। तो ज़रूर चैनल में अगर नए हो तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइए ताकि हमारी जो हर वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले की बहुत ही प्यारी जगह है और उतने ही प्यार से ये रेहड़ी वाले जो है यहाँ पे इन चीज़ों को परोस रहे हैं। जूस अभी हम 20 रुपये की सिकंजी पीजिए और आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे सिकंजी पी के। 20 रुपीज़ की ओनली, और गर्मी के टाइम पे तो आपको यहाँ पे विशेष कर आना चाहिए। एंड स्टे कनेक्टेड विद रजत ट्रैवलो, मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन रजत ट्रैवलॉग। स्टे ट्यून विद रजत ट्रैवलॉग। थैंक यू, धन्यवाद।